बलहरगंज थाने की पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान फेकन मंडल पुत्र बीचन मंडल निवासी महाराजपुर नयाचोला थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखंड, दूसरा करण कुमार मंडल पुत्र शंभू मंडल निवासी मस्कलैया थाना तालझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखंड के रूप में हुई है, जिनके पास से चोरी की 26 मोबाइल फोन, 4,750 रुपए नगद व एक सोने की अंगूठी को बरामद किया गया है। एसपी साउथ ने बताया कि वादी शिवम तिवारी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि दिनांक 5 दिसंबर को दिन में करीब 1:30 बजे मेरी चाची जो अपने मायके से बड़हलगंज टेम्पो से आ रही थी कि तीन अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी चाची का हैंडबैग जिसमें सोने का चेन व सोने का टप्स व 1500 रुपया था उसको चुरा कर फरार हो गए। मेरे द्वारा काफी खोजा गया किंतु उन लोगों का पता नहीं चल पाया, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा वादी इंद्रेश कुमार पांडे द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 21 नवम्बर दिन सोमवार 2:30 बजे से 3 बजे के बीच अम्बेडकर चौराहा रोडवेज बड़हलगंज पर मेरी चाची बस का इंतजार कर रही थी, तभी एक युवक इनके पास आया और इनसे बातचीत कर अपने रुपए का पोटली इनके बैग में डाल दिया, जिसमें रुपया था या नहीं, पर इसका विरोध करने के बावजूद वह इनको बहला फुसला कर कि मैं अपना रुपया आपके बैग में रख रहा हूँ और आप अपना जेवर भी अपने बैग में डाल दीजिए ताकि सब सुरक्षित हो जाए। उसने इनका एक चैन और 2 अंगूठी निकलवा कर बैग में डलवा दिया और इसी बीच इनका ध्यान भटका कर इनका सामान चुरा लिया और बैग में सामान को सुरक्षित दिखाते हुए अपना ताला मार दिया, जिसका इनको पता नहीं चल पाया और चाबी लेकर इनको ऑटो से पटना चौराहा भेज दिया। चाची जी के चाबी मांगने पर चाबी नहीं दिया और चला गया। यह शादी में आजमगढ़ जा रही थी, वहां जाकर ताला काटा गया तो बैग में इनका सामान नहीं था, जिसके पश्चात इनको उसके ठगी से चोरी करने का पता चला, जिसके आधार पर थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में बड़हलगंज के वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष कुमार सिंह, उप निरीक्षक रवि सेन यादव, कांस्टेबल अनिल यादव, अवधेश यादव, संदीप चौहान, प्रिंस यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, आज थाना बड़हलगंज पुलिस को 2 सातिर चोर जो झारखंड के रहने वाले हैं और मजदूर या सब्जी के विक्रेता के रूप में घूम फिर के रहते हैं, मऊ, आजमगढ़ और गोरखपुर के बड़हलगंज के आसपास के इलाकों में, ये या तो लोगों के मोबाइल धीरे से चुरा लेते हैं अथवा भोली भाली महिलाएं अगर उन्हें मिल गई तो उन्हें ठगी का शिकार बना लेते हैं। पुलिस की पतारसी सुरागरसी के दौरान पता चला कि 2 बाहरी लोग जो झारखंड के रहने वाले हैं और वो इस समय बड़हलगंज क्षेत्र में कस्बे में हैं। इस सूचना पर पुलिस ने जब घेराबंदी की तो इनके पास से चोरी के मोबाइल बरामद हुए। पूछताछ में जब इनसे गहराई से छानबीन की गई तो 2 घटनाएं और इन्होंने कबूला, जिसमें इन्होंने महिलाओं को भी ठगी का शिकार किया था और इनसे 26 चोरी के मोबाइल बरामद हुए। मोबाइल फोन इनके हिसाब से ये लेकर के झारखंड या बंगाल किसी को देते, लेकिन आगे का सूत्र अभी ये जोड़ नहीं पाए हैं। बीच में ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इतने सातिर हैं कि अपना नेटवर्क आगे नहीं बता रहे। मोबाइल की घटनाओं में इनको याद ही नहीं कि कहां कहां से इन्होंने मोबाइल लिया। कुछ मोबाइल लाठघाट से लिए गए हैं, दोहरी घाट से लिए गए हैं, आजमगढ़ से लिए गए, शहर से,
इन सारे मोबाइल्स की IMI रन करा करके आगे भी बेचना में पता किया जाएगा कि इन्होंने कहां कहां किसकी किसकी मोबाइल चोरी की है। फिलहाल विधि के अनुरूप 24 घंटे के भीतर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें जेल भेजा जा रहा है। आवश्यकता यदि होगी तो इनकी पुलिस कस्टडी रिमांड भी ली जाएगी। ये सारे मोबाइल एक फोन छोड़ करके बाकी सभी एंड्रॉयड फोन हैं, तो अगर इनकी कीमत आप ये माने कि 10,000, 15,000, 20,000 की, सभी सारे के सारे मोबाइल हैं, तो अगर इस हिसाब से हम 10,000 भी कीमत आंकें तो लगभग 2.5 लाख रुपए के मोबाइल हैं। अब इनका ये कहना है कि ये ले जा करके किसी अन्य व्यक्ति को दे देते हैं, वो व्यक्ति किसी अन्य से जुड़ा हुआ है जिसको इनके हिसाब से वो बंगाल का है, फिर वो उनकी मार्केट में बिक्री करता है। इनको कितनी कीमत मिलती है? अब इनको इनके हिसाब से कि इनके अपने जो घरेलू काम की आवश्यकताएं हैं इनके घर पे, उसमें वो जो इनका अगला मास्टरमाइंड है वो इनकी मदद कर देता है। और इनका कहना है कि कुछ है, इसमें से एक तो ऐसा है जो कहता है कि हम अपने परिवार में, उसकी माँ बीमार है, उसकी बीमारी के लिए भी इस धंधे में आए। अब इनके बताने के हिसाब से इनसे अभी जो मैंने कहा 26 तो बरामद है, लेकिन इनका कहना है कि इससे पहले इससे ज़्यादा ही वो वहाँ भेज चुके हैं।